नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के हिंदी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खबर बड़ी नहीं है लेकिन अहम है, क्योंकि ये खबर है यूपी के फतेहपुर के पास एक जगह है, नाम है बिंदकी। वहां के ग्रामीण इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर फिलहाल बड़ी नहीं है लेकिन अगर कोई हादसा हो जाता और जान चली जाती एक नहीं दो नहीं 27 तो बात बहुत बड़ी हो सकती थी। दरअसल यहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ऑटो है और इस ऑटो में लोग जो सवार हैं वो एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 27 हैं। पुलिस वालों की नज़र जब इस ऑटो पर पड़ी तो वो भी पूरी तरीके से भौचक्के रह गए कि एक ऑटो में आखिर इतने लोग कैसे सवार हो सकते हैं। एक एक कर पुलिस ने इन्हें उतारना शुरू किया। पहले पूरा वीडियो देखिए कि किस तरीके से लोगों को एक एक कर उतारा जा रहा है, जिसमें बड़ों से लेकर बच्चों तक और ड्राइवर समेत जब गिनती की गई तो टोटल 27 लोग निकले। बताया ये भी जा रहा है कि जब इस ऑटो का पीछा किया गया तो ऑटो ने स्पीड अप करने की भी कोशिश की, यानी कि हादसा होने की पूरी गुंजाइश यहां पर हो सकती थी। लेकिन अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस वायरल होते इस वीडियो को योगी आदित्यनाथ के एक ताज़ा बयान से जोड़कर भी देख रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा है कि जनसंख्या को लेकर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि समाज में जनसंख्या का जो संतुलन है वो बिगड़ जाए, किसी एक खास वर्ग की आबादी जो है वो इतनी बढ़ जाए कि जो मूल यानी कि नेटिव पॉपुलेशन है वो उससे प्रभावित होने लगे। नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। तो बहरहाल इस वायरल होते वीडियो पर आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।